नमस्कार दोस्तों, यस टीवी के साथ आप जुड़ चुके हैं। हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त एक नए मुद्दे को लेकर हल्ला बोल में। जी हाँ, हल्ला बोल वो कार्यक्रम जिसमें हम हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। आज का मुद्दा भी बहुत ही खास है। आज मैं बात करने वाली हूँ भ्रष्टाचार के बारे में। दोस्तों, करप्शन भ्रष्टाचार हमारे देश को, हमारे देश की जड़ों को लगातार खोखला करता जा रहा है। दीमक की तरह आए दिन इसे खाता जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि इसका क्या कारण है, क्या वजह है और भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या भुगतना पड़ता है? दोस्तों, भ्रष्टाचार का असली कारण हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग जब अपना काम निकलवाना होता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। जब हमें कोई इमरजेंसी में काम निकलवाना होता है तो हम खुद ही सामने से ऑफर करते हैं कि आप जितना चाहे पैसा ले लें, कुछ भी, जो भी चाहे, जो भी आपकी डिमांड है हम पूरी करेंगे, लेकिन हमारा ये काम हो जाना चाहिए। और इसी तरह से इस भ्रष्टाचार की शुरुआत होती चलेगी और ये पूरे देश में फैल गया। शायद आप जानते ही हैं कि भारत जो है भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। कितनी शर्म की बात है कि इस चीज में हम सबसे आगे हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार के कारण आजकल एजुकेशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अच्छे मौके नहीं मिल पा रहे हैं इस भ्रष्टाचार के कारण। हमारे देश का विकास पूरी तरह से रुक चुका है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप जब सड़कें बनती हैं उसमें भी देख सकते हैं, भ्रष्टाचार वहां भी होता है। पैसा पूरा लिया जाता है लेकिन मटेरियल बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया जाता है। हमारे एजुकेशन की क्वालिटी बिल्कुल गिर चुकी है। इस भ्रष्टाचार के कारण अमीर और गरीब की खाई का अंतर दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है बजाय कम होने के। अनुमान लगाया जाए तो आजादी के बाद से जिस तरह से गति करनी चाहिए थी हमारे देश को, उस तरह से गति नहीं हो पाई है। कारण क्या है? भ्रष्टाचार। कोई एक इंसान अगर अच्छा है, भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले 10 लोग अगर भ्रष्टाचार है, तो वो अकेला एक इंसान भ्रष्टाचार को कैसे रोके? आप चाहते हैं या आप कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा, कई मूवीज में भी देखा होगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर फाइलें कोर्ट हो या किसी भी सरकारी काम के लिए लंबे समय तक लटकती रहती हैं। क्यों होता है? टाइम टू टाइम काम क्यों नहीं होता? जिसकी फाइल आज आई है उसका काम एक दो दिन में क्यों नहीं निपटाया जाता? ये काम फौरन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, दो दिन में काम होकर फाइल हाथ में मिल जाती है। तो ये सब भ्रष्टाचार ही तो है। फाइलें रोकने का भी कई कारण है, उसी की वजह से ये सब चीजें जो है चलती रहती हैं और भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा मिलता रहता है। अगर हम सभी मिलकर इस पर काम करें, हम सब ये सोच लें कि ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार होने देंगे, किसी को ना तो रिश्वत देंगे और ना ही किसी से रिश्वत हम लेंगे, ये एक पॉइंट, एक चीज हर युवा वर्ग सोच ले, क्योंकि अब ये युवा वर्ग और हमारी आने वाली जनरेशन ही कल के देश का भविष्य है। इसे अभी से तैयार अगर हम कर दें और ये सोच बना ली जाए, तो आप यकीन मानिएगा कि इंडिया में कोई भी काम या कोई भी फाइल इतनी देर तक नहीं लटकेगी। आप जैसी फाइल देंगे साथ ही काम होगा, एक दो दिन के अंदर फाइल आपके हाथ में वापस। जिस भी काम के लिए आप एप्लीकेशन डालेंगे, एक दो दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है? अपनी बात पर कायम रहना है, ये दृढ़ निश्चय करना है कि भ्रष्टाचार को अब हमें ही खत्म करना है। इस सोच के साथ ही हम इस बीमारी को अपने देश से बाहर भगा सकते हैं। इसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस आम जन को एक बार मजबूत इरादे के साथ खड़े होने की जरूरत है। कैसा लगा आपको ये हल्ला बोल कार्यक्रम आज का, हमें बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल यस टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मेरी ओर से आप सभी को जय हिंद।